हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मिस्टर मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे चैप्टर फंक्शन। चैप्टर फंक्शन में अपन थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसका डीपीपी, इसका डिस्कशन। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं डीपीपी नंबर वन। तो डीपीपी नंबर वन का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। डीपीपी नंबर का वन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू दी है 8/9 - x²। 8/9 - x², दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। बोला गया है फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, आपको निकालना है फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो देखें भाई क्या होगा, अपन ऐसा करते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 8/9 - x². अगर मैं इसका डोमेन देखूँ तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, और डिनोमिनेटर जीरो कम नहीं होगा। जब x इक्वल टू +-3 होगा तब इसकी वैल्यू जीरो होगी। तो अगर मैं इसका डोमेन देखूं तो ऑल रियल नंबर माइनस ऑफ +-3 जो है ये इसका डोमेन होगा। अब रेंज निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं, हम इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, ट्रांसफर करते हैं हम। तो ये हो जाएगा 9y - x²y = 8। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो x²y की वैल्यू हमारे पास जाएगी 9y - 8। तो यहाँ से हमारे पास x² की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9y - 8/y। हमें पता है कि x² हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है। तो उसी कंसेप्ट से x² की जगह हम जब 9y - 8/y रखेंगे तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब इसको अपन सॉल्व कर देंगे, इस इनइक्वालिटी को अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जीरो आएगा, यहाँ से 8y9 आएगा। तो ये जीरो आ जाएगा और ये 8y9 आएगा। इक्वालिटी है तो न्यूमरेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट पे डार्क सर्कल और डिनोमिनेटर वाले पे आएगा हॉलो सर्कल। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से कहानी आएगी। पॉजिटिव वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट हमारा आंसर है, और अगर ये वाला पार्ट हमारा आंसर है तो हमारे पास x बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो, जीरो पे ओपन, यूनियन हो जाएगा 8/9 से लेके इन्फिनिटी 8/9 पे क्लोज। तो ये ऑप्शन नंबर डी है, ये अपना क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व हो गया। तो नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर वन। हाँ भाई, तो नेक्स्ट डीबीबी नंबर वन का क्वेश्चन नंबर टू पहले अपन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू पढ़िए। बोला है फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू e^(x+1)/(e^(x-1)। फंक्शन क्या है, e^(x+1)/(e^(x-1) एन ऑफ डी, ऐसा कुछ दिया हुआ है एन ऑफ डी। एन ऑफ डी डिनोट द नंबर ऑफ इंटीजर आर नॉट इन इट्स डोमेन, विच आर नॉट इन इट्स डोमेन। एंड n of r denotes the number of integer which are not in its range। तो जो डोमेन में इंटीजर नहीं होंगे वो n of d है, जो रेंज में इंटीजर नहीं होंगे वो n of r है। तो इस कंडीशन में आपसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ इन दोनों का सम, n of d प्लस n of r। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, और ऑप्शन नंबर डी है इनफाइनाइट। चलिए अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके डोमेन के बारे में बात करते हैं। तो डोमेन तो ये ऑलवेज डिफाइन होगा, बस कंडीशन ये होगी कि जो डिनोमिनेटर है वो शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो हो। तो e^(x-1) की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, e^(x) शुड नॉट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो अगर मैं इसका डोमेन देखूंगा तो ऑल रियल नंबर माइनस जीरो आएगा, तो इसके डोमेन में केवल एक ही इंटीजर नहीं आएगा, जीरो। तो n ऑफ d की जो वैल्यू होगी वो नंबर ऑफ इंटीजर विच आर नॉट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो केवल एक ही इंटीजर नहीं आ रहा है, जीरो, तो n ऑफ d की वैल्यू 1 हो गई। अब हमें इसकी रेंज निकालना है। तो इसकी रेंज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ले लेंगे y, y इक्वल टू हो जाएगा e^(x+1)/e^(x-1)। सॉल्व करके हम e^(x) की वैल्यू निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन का रेंज कैसे निकालते हैं, सॉल्व करके e^(x) की रेंज वैल्यू निकालेंगे और बोल देंगे e^(x) तो ऑलवेज पॉजिटिव है जब ये इसका डोमेन में होगा, है ना। बस e^(x) क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा। चलिए देखते हैं अपन। तो हमारे पास ये हो गया e^(x)(y-y) इक्वल टू e^(x+1)। तो ये हो जाएगा e^(x-y) - e^(x)=y+1। तो e^(x) की वैल्यू होगी y+1/y-1। तो बोला ये है कि भाई e^(x) की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, बट क्या नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती। तो देखो e^(x) की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, ठीक है। e^(x) की वैल्यू पॉजिटिव होगी और बट e^(x) की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 1 भी होगी, ठीक है। तो e^(x) पॉजिटिव होगा जब हमारे पास y+1/y-1 की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी,
और अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो चूंकि यहाँ इक्वालिटी नहीं है तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन बोथ ओपन और यूनियन आ जाएगा हमारे पास वन से लेके इन्फिनिटी। अब e का पावर x की वैल्यू वन नहीं होगी तो अगर e का पावर x की वैल्यू वन नहीं हो वन रखते हैं अपन तो वन प्लस वन अपॉन वन माइनस वन तो वो वैसे ही नहीं हो सकती क्योंकि इसमें वाई क्या हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो e का पावर x इक्वल टू वन से वाई की कोई वैल्यू अपन को नहीं मिला ठीक है। तो हमारे पास जो रेंज आया वो ये आया। तो इस रेंज में क्या क्या इंटीजर नहीं है, एक तो माइनस वन नहीं है, एक प्लस वन नहीं है, एक जीरो नहीं है। तो नंबर ऑफ इंटीजर विच आर नॉट इन द रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल टू थ्री, एक माइनस वन, एक जीरो और एक प्लस वन। तो एन ऑफ डी की वैल्यू हो गई वन और एन ऑफ आर की वैल्यू हो गई थ्री। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर क्या जाएगा, दोनों का एडिशन फोर, और फोर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो सेकेंड का जो हमारे पास आंसर आएगा, सही है ना भाई, हमारे पास ये क्या आ गया माइनस वन इन्फिनिटी से माइनस वन और यूनियन हमारे पास आ गया वन से लेके इन्फिनिटी। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो हमारे पास क्या है, इसका आंसर हमारे पास इंटीजर्स आ गए माइनस वन, जीरो और प्लस वन और ये वाला इंटीजर वन। तो सम आ गया फोर, सम आ गया फोर मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारे पास आ गया। तो नोट कर लीजिए ये हमारे पास जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा हमारे पास फोर। फोर जो है वो ए का ऑप्शन नहीं है, फोर सी का ऑप्शन है, ये अपन गलत लिख रहे हैं। फोर जो है क्या सी है, सी में ऑप्शन में फोर है तो इसका आंसर सी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर टू हो गया, नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में एफ एक्स की जो वैल्यू है वो अंडर रूट ऑफ एलएन ऑफ एलएन ऑफ मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ सेवन मॉड एक्स माइनस ऑफ मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ टेन, ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है। और इसमें बोला गया है फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स विच इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन के डोमेन में कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज होंगी वो अपन को निकालना है। तो हमें इस फंक्शन का डोमेन निकालना पड़ेगा। अब इस फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए अपन ऐसा करते हैं, इस फंक्शन का भी डोमेन निकालते हैं, इस फंक्शन का भी डोमेन निकालते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं इस फंक्शन का डोमेन निकालता हूँ तो पहली चीज़ तो अंडर रूट के अंदर जो भी है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो एलएन ऑफ मॉड एक्स का मॉड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दूसरी चीज़ एलएन के अंदर जो ये नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब एलएन ऑफ मॉड एक्स जो है ये इसका भी मॉड दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तीसरी चीज इस एलएन के अंदर जो नंबर है मॉड एक्स वो भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ये अपने पास कंडीशन होती है। अच्छा अब अगर मैं इस एलएन को यहाँ ले जाता हूँ तो ई का पावर जीरो, तो एलएन ऑफ मॉड एक्स का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास आएगा वन। तो अब देखो एक चीज क्लियर है, मॉड एक्स ग्रेटर देन जीरो कब होगा, एक्सेप्ट जीरो, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, यहाँ से तो हमारे पास आएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। अब इन दोनों को देखो जरा, ये कह रहा है वही मसाला ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, वही मसाला ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो है, तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो हमारे पास आएगा एल एन ऑफ मॉड एक्स का मॉड ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया वन, और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू वन आ गया तो हमारे पास ये आ गया एल एन ऑफ मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस वन हो जाए और एल एन ऑफ मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो जाए। अगर ऐसा आता है तो यहाँ से जाएगा मॉड एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू ई का पावर माइनस वन और यहाँ से जाएगा मॉड एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ई। तो अगर अपन देखें तो यहाँ से हमारे पास जाएगा मॉड एक्स की वैल्यू, अगर मॉड एक्स की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू वन अपॉन ई है तो एक्स की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी माइनस वन अपॉन ई से प्लस वन अपॉन ई बहुत क्लोज हो जाएगी, और यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस ई और यूनियन हमारे पास आ जाएगी ई से लेके इन्फिनिटी, सॉरी ई से लेके इन्फिनिटी। अब इन दोनों का यूनियन अपना आंसर होगा ठीक है। तो हमारे पास इस से हमारे पास आ गया माइनस वन बाई ई से प्लस वन बाई ई यूनियन, ये आ गया हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस ई यूनियन ई से लेके इन्फिनिटी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, तो एक्सेप्ट इसमें तो जीरो है क्या, माइनस वन वन बाई ई से प्लस वन बाई ई में जीरो है तो बस इसमें से अपन क्या करें जीरो सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये हमारे पास जो है ये पहले वाले फंक्शन का डोमेन हो गया, इस वाले फंक्शन का डोमेन हो गया माइनस वन बाई ई से लेके प्लस वन बाई ई। अच्छा मॉड एक्स जो है ठीक है, एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई ई से प्लस वन बाई ई, एक्स की वैल्यू माइनस माइनस इन्फिनिटी से माइनस ई यूनियन ई से इन्फिनिटी माइनस जीरो, माइनस जीरो हमने इसलिए किया क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो इसके हिसाब से नहीं हो सकती थी तो, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो हो रही थी तो हमें एक्स की वैल्यू माइनस जीरो करना पड़ी। तो ये हमारे पास पहले वाले फंक्शन का डोमेन आ गया डी वन, इसको अपन नोट कर लें,
नोट कर लो यहाँ तक भाई। चलिए तो हमने जो है इसको नोट कर लिया, मैं इस डी वन की वैल्यू यहाँ लिख लेता हूँ। डी वन की जो वैल्यू हमारे पास है वो है माइनस वन बाई ई से प्लस वन बाई ई, बहुत क्लोज। यूनियन हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी से माइनस ई, यूनियन हमारे पास है ई से लेके इन्फिनिटी, और माइनस हमारे पास है ज़ीरो। ये आ गया डी वन। अपन निकालते हैं डी टू। तो डी टू में कहानी यह है कि ये जो अंदर हमारे पास चीज़ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। अब इसको अपन ग्राफ से करने की कोशिश करते हैं। हमें कहें कि अगर हमारे पास माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सेवन एक्स माइनस ऑफ टेन का ग्राफ होता तो बेसिकली ये माइनस ऑफ एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस फाइव लिखा होता। तो इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से होता, ये हमारे पास होता टू और ये हमारे पास होता फाइव, और ज़ीरो पे ये हमारे पास वैल्यू होती माइनस टेन। अब जैसे ही अपन इसमें एक्स की जगह मॉड एक्स लगा देते, तो हम एक्स की जगह अगर मॉड एक्स लगाते तो जो ग्राफ एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए था वही ग्राफ एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए होता। तो ये ग्राफ जो है वो हमारे पास कुल कुछ इस तरीके से हो जाता। अच्छा, ये टू फाइव, तो ये बीच का पॉइंट हमारे पास आ गया थ्री, और यहाँ बीच का पॉइंट हमारे पास आ गया माइनस थ्री। थ्री रखने पे थ्री माइनस टू वन, थ्री माइनस फाइव माइनस टू, तो ये प्लस टू जो है ये अपने पास वैल्यू आ गई, ये अपने पास आ गई। अब बोला गया है ये चीज़ जो है अंडर रूट के अंदर है, तो ये केवल जब डिफाइन होगी, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा माइनस टू, ये वाला पॉइंट माइनस फाइव, ये वाला चीज़ जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इस वाले इंटरवल में होगा, देखो जरा, और इस वाले इंटरवल में होगा। तो अगर मैं डी टू के बारे में बात करूँ तो डी टू की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस फाइव से लेके माइनस टू बोथ क्लोज, यूनियन आ जाएगी टू से लेके फाइव बोथ क्लोज, ये हमारे पास डी टू आ जाएगा। अब हमें डी वन और डी टू का जो इंटरसेक्शन है वो निकालना है। डी वन और डी टू का जो इंटरसेक्शन है वो अपना आंसर है। चलिए अपन निकालते हैं। तो ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, सबसे छोटा नंबर तो माइनस फाइव होगा, उसके बाद माइनस ई, माइनस ई के बाद आ गया अपना माइनस वन बाई ई, फिर आ गया ज़ीरो, फिर वन बाई ई, वन बाई ई के बाद आ गया ई। अच्छा, ई के पहले टू होगा, ये माइनस फाइव के बाद जो है ये यहाँ पे एक माइनस टू भी आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा टू, टू के बाद आ जाएगा ई, और ई के बाद आ जाएगा फाइव, कुछ इस तरीके से होगा। अब पहला वाला कह रहा है माइनस ई वन बाई ई से लेके प्लस वन बाई ई, तो माइनस वन बाई ई से लेके प्लस वन बाई ई, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस ई, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस ई, और ई से लेके इन्फिनिटी, ये पहली वाली कह रही थी। दूसरा वाला कह रहा है माइनस फाइव से लेके माइनस टू, माइनस फाइव से लेके माइनस टू, एंड टू से लेके फाइव, एंड टू से लेके फाइव। तो अगर मैं देखूंगा तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा माइनस फाइव से लेके, माइनस फाइव से लेके माइनस ई बोथ क्लोज, और यूनियन हमारे पास आएगा ई से लेके फाइव बोथ क्लोज। फाइनली जो है ये इसका डोमेन आ जाएगा माइनस फाइव से लेके माइनस ई, यूनियन आ जाएगा ई से लेके फाइव, ये इसका डोमेन आ जाएगा। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स विच आर इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी। तो ये माइनस फाइव है, तो माइनस फाइव तो इंटीग्रल वैल्यू होगी इसमें, फिर माइनस फोर भी होगी, ये माइनस टू पॉइंट सेवन है तो इसके पहले माइनस थ्री भी होगी, फिर माइनस टू नहीं होगी, फिर ये आ जाओ ये टू पॉइंट सेवन है तो थ्री होगी, फिर फोर होगी, फाइव होगी। तो ओवरऑल ऐसी कितनी इंटीग्रल वैल्यूज होंगी हमारे पास, सिक्स इंटीग्रल वैल्यूज होंगी। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर देखता हूँ तो क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर आ रहा है सिक्स, मतलब ऑप्शन नंबर सी। एक बार मैं आंसर चेक करता हूँ, क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। तो ओवरऑल कितने इंटीजर्स होंगे हमारे पास, सिक्स इंटीजर होंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। तो नोट कर लिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, बोला गया है लॉग ऑफ एफ एक्स टू द बेस टू इक्वल टू लॉग बेस टू में यहाँ टू प्लस टू बाई थ्री प्लस टू बाई नाइन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स इंटू लॉग बेस थ्री और नंबर है वन प्लस एक्स अपॉन एफ ऑफ वन बाई एक्स। और बोला गया है कि जो एफ ऑफ टेन है इसकी वैल्यू 1001 है। अगर ऐसा है तो एफ ऑफ 20 की वैल्यू क्या होगी, ये अपन को निकालना है, दिस इज द क्वेश्चन। तो बहुत ही आसान है, देखिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। अगर अपन ध्यान से देखें तो हमारे पास जो है ये जो चीज़ है ये 2, 2 बाई 3, 2 बाई 9, ये तो इनफाइनाइट जीपी है। देखिए आप यहाँ से आ गया 2 बाई 1 बाई 3 का मल्टीपैड हुआ, फिर 1 बाई 3 का मल्टीपैड हुआ, तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। ए तो क्या है 2, और 1 माइनस 2 बाई 3, तो 1 माइनस 2 बाई 3 इज 1 बाई 3, तो 2 अपॉन 1 बाई 3, तो ये क्या आ गया 6।
तो यहाँ हमारे पास ये आ गया log ऑफ, सही है ना, a अपॉन 1 माइनस r, सॉरी r की वैल्यू है 1 बाई थ्री, तो 1 माइनस 1 बाई थ्री आ गया 2 बाई थ्री, तो आंसर हमारे पास आ गया 3, ये हमारे पास आ गया। तो अगर मैंने देखा तो ये हमारे पास आ गया 3, तो ये हो गया log ऑफ 3 टू द बेस 2। अब इनटू हमारे पास है log ऑफ 3, और ये कुछ कुछ है उसको अपन अभी ऐसा करते हैं, मसाला ले लेते हैं, दिस इज मसाला। इस मसाले की वैल्यू है 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ वन अपॉन एक्स। अब यहाँ पे अपन ने बेस चेंजिंग थ्योरम लगाया, जैसे अपन ने बेस चेंजिंग थ्योरम लगाया तो ये हो जाएगा log 3 अपॉन log 2, और इनटू हमारे पास हो जाएगा log ऑफ मसाला अपॉन log 3। ये log 3 log 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा log ऑफ मसाला टू द बेस 2, और यहाँ पे हमारे पास है log ऑफ एफ एक्स टू द बेस 2। दोनों तरफ log के बेस सेम है तो नंबर भी सेम होंगे, तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ वन अपॉन एक्स। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू एफ वन अपॉन एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वन अपॉन एक्स। अच्छा, अपन ने बढ़ा था कि ये इक्वेशन, फंक्शनल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन होता है। अब हमारे पास एफ ऑफ 10 की अगर अपन वैल्यू निकालते हैं तो ये 1 प्लस माइनस 10 का पावर एन है, सही बात है, तो ये हमारे पास क्या है 1 प्लस माइनस 10 का पावर एन, और इसकी वैल्यू दी है हमारे पास 1001। तो देखो क्लियर है, ये चीज़ क्लियर जब होगी, जब ये माइनस नहीं होगा, केवल प्लस होगा और ये 10 का पावर 3 होगा तब होगा। तो इस कंडीशन से एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस एक्स का पावर 3 हो जाएगी, यानी कि वैल्यू 3 हो जाएगी, उसमें प्लस हो जाएगा, तो एफ ऑफ 20 की वैल्यू 1 प्लस 20 का पावर 3 हो जाएगी, तो 20 का पावर 3 हो जाएगी, तो 8000 प्लस 1 तो 8001 जो है वो अपना आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा, 8001, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो हम चेक कर लें आंसर, डीपीपी नंबर 1, क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसका, 4, तो डीपीपी नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी, बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोला गया एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 5/6 टू 3/2 बोथ क्लोज, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। चलिए देखते हैं अपन, तो डोमेन तो गिवन एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है, तो अपन ऐसा करते हैं इसको अपन वाई ले लेते हैं, तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज अपन कैसे निकालते थे उसी कंसेप्ट पे अपन काम करते हैं। तो हम क्या करें, इसको ट्रांसफर कर दें, और ट्रांसफर करके अपन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स बना दें, तो ये हो जाएगा वाई माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y-1 इंटू एक्स प्लस सी वाई माइनस सी, ये इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे जो x है वो ऑल रियल नंबर है, मतलब इसके रूट्स रियल होंगे, तो इसका d जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो d की वैल्यू हो जाएगी 2y-1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू y-1, c अगर बाहर ले लेंगे तो एक और y-1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4y² + 1, है ना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सही है ना अपन, सही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4y² + 1 - 4y, ये हो जाएगा हमारे पास 4y² + 1 - 4y। यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -4z (y²) + 1 - 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे अपन तो ये 4y² - 4z(y²) मतलब 4 × c - 1, 4 × 1 - c, 4 × 1 - c (y²) आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ y का देखेंगे तो -4 + 8y, तो मैं प्लस फोर कॉमन ले लूँगा तो यह हो जाएगा +2c - 1, तो ये हो जाएगा 2c - 1 इंटू हो जाएगा y। कांस्टेंट देखूंगा तो यहाँ है 1 और यहाँ हमारे पास है -4c, तो अगर मैं माइनस बाहर ले लूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 4z - 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब इसमें क्या है, बोला गया है y की रेंज +5/6 से लेके 3/2 है, मतलब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास y -5/6 × y - 3/2 शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो आना चाहिए। अच्छा, तो ये लेस देन इक्वल टू जीरो आना चाहिए, लेकिन पहले नंबर के यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो अपन इसको पहले लेस देन इक्वल टू जीरो में कन्वर्ट करें, माइनस से कर दें मल्टीप्लाइड, है ना।
तो एक मिनट यहाँ पे देखना जरा, ये अपने पास सही है ना प्लस, हाँ सही है। तो सबसे पहले अपन माइनस से मल्टीप्लाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 4 × c − 1 × y² माइनस ऑफ 4 × 2c − 1 × y और प्लस हो जाएगा 4c − 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। और ये क्या किसके इक्वल होगी, ये हमारे पास हो जाएगी y − 5/6 × y − 3/2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 की इक्वल होगी। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले ली, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6y − 5 × 2y − 3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ये अपने पास हो जाएगा 12y² माइनस ऑफ 10 एंड माइनस ऑफ 18 इज माइनस ऑफ 28y और प्लस ऑफ 15 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा अब अगर मैं देखूं कंपेयर करूं तो 4 × c − 1 की वैल्यू 12 आनी चाहिए, तो c − 1 की वैल्यू 3 आनी चाहिए, तो c की वैल्यू 4 आनी चाहिए, तो c की वैल्यू 4 इसको सेटिस्फाइड तो कर रही है। अगर मैं c की वैल्यू 4 रखता हूं यहां पे, तो 4 × 2 = 8 − 1 = 7 × 4 − 28 इसको भी सेटिस्फाइड कर रही है, 4 × 4 = 16 − 1 = 15 इसको भी सेटिस्फाइड कर रही है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 के कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी 4। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी इक्वल टू 4। तो फिफ्थ का जो आंसर हमारे पास आ गया वो सी इक्वल टू 4 और ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर है। चेक कर लें एक बार DPP नंबर 1 क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर, फिफ्थ का आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है, नोट कर सकते हैं आप इसको। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोला गया है x की वैल्यू है 4l / 1 + l² एंड y की वैल्यू 2 − 2l² / 1 + l², वेयर l इज अ पैरामीटर। l इज अ पैरामीटर मतलब l बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, और एक फंक्शन fxy है x² − xy + y², इसकी रेंज है a से लेके b, तो a प्लस b की वैल्यू निकालना है। तो भाई देखो इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है तो हम सब्स्टिट्यूशन से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ देखो यहाँ लिखा है 4l / 1 + l², 2 अलग कर देंगे तो 2l / 1 + l², और यहाँ पे अगर 2 अलग कर देंगे तो 1 − l² / 1 + l², तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं अपन। अगर मैं l की वैल्यू 10θ रख दूं तो यहाँ 2tan θ / 1 + tan²θ sin²θ का फॉर्मूला दिख रहा है, और यहाँ 1 − tan²θ / 1 + tan²θ cos²θ का फॉर्मूला दिख रहा है। तो अपन ऐसे ही करते हैं, अपन l को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 10θ। अगर मैंने l को सब्स्टिट्यूट कर दिया 10θ तो ये x की वैल्यू 2 अलग कर देंगे और 2l / 1 + sin², तो 2tan θ / 1 + tan²θ हो जाएगा sin²θ। y की वैल्यू 2 अगर अलग कर देंगे तो 1 − l² व तो 1 + tan²θ / 1 + tan²θ ये हो जाएगा cos²θ। अब f ऑफ x कॉमा y के बारे में अगर अपन बात करें तो ये हमारे पास दिया था x² − xy + y², तो अगर x² + y² साथ में लिखें तो ये 4 sin²θ, ये 4 cos²θ साथ में आ जाएगा, तो 4 बचेगा, sin²θ cos²θ हो जाएगा 1 माइनस ऑफ, ये इन दोनों का मल्टीप्लाइड करें तो 2 × 2 sin²θ × sin cos²θ, तो ये हमारे पास आ जाएगा sin²θ। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये 2 − sin²θ है। अब तो सॉल्व हो गया, sin²θ की वैल्यू −1 से +1 होती है। अगर मैं यहाँ −1 रखूँगा तो 2 − −1 + 1 तो 3 × 2 क्या जाएगी वैल्यू 6, और जब −1 रखूंगा तो 2 − 1 हो जाएगा 1 × 2 हो जाएगी 2। तो ये हमारे पास 6 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी और जो 2 है वो मिनिमम वैल्यू होगी, तो y की रेंज 2 से लेकर 6 हो जाएगी। तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू 6 आ जाएगी, और a प्लस b की वैल्यू पूछी है तो वो 8 आ जाएगी। तो वैल्यू ऑफ a प्लस b 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें तो इसका जो आंसर है इसका भी आंसर सी ही है। तो DPP नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, DPP नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी सी है। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, इसको नोट कर लीजिए। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बोला गया एक फंक्शन है fx = 2 × mod of x − 1 + mod of x + 3 − 3 × mod of x − 4, और बोला गया इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कैपिटल M है, स्मॉल वैल्यू स्मॉल m है, मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M है, मिनिमम वैल्यू स्मॉल m है, स्मॉल m प्लस कैपिटल M की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मॉड डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मैं मॉड डिफाइन करता हूँ तो x माइनस 1 के बारे में पता है कि अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 से ग्रेटर देन पे पॉजिटिव, 1 से लेस देन पे नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। x प्लस 3 देखा हूँ तो −3 से इस तरफ जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ, इस तरफ नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। x माइनस 4 का मॉड जो है इसको 0 पुट करेंगे 4, तो इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो अगर हम ऐसा करें, हम तीनों को साथ में ले लें भाई, अगर अपन तीनों को साथ में ले लेते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके की कहानी होगी। एक पॉइंट आ गया हमारे पास, सबसे पहले आएगा −3, फिर आएगा 1, फिर आएगा 4।
पहला मॉड दिया है x माइनस वन का मॉड, वन से ग्रेटर देन पे पॉजिटिव साइन के साथ, वन से लेस देन पे नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। फिर x प्लस थ्री का मॉड, माइनस थ्री से ग्रेटर देन पे पॉजिटिव साइन के साथ, माइनस थ्री से लेस देन पे नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। फिर हमारे पास है x माइनस फोर का मॉड, फोर से ग्रेटर देन पे पॉजिटिव साइन के साथ, फोर से लेस देन पे नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। अब हमारे पास कुल मिला के केस नंबर वन, केस नंबर टू, केस नंबर थ्री और केस नंबर फोर, चारों केस में फंक्शंस को रिडिफाइन करना पड़ेगा। चलिए अपन रिडिफाइन करते हैं। केस नंबर वन लेते हैं अपन। सबसे पहले केस नंबर वन हमारे पास है जब x की वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस थ्री, हम चाहें तो माइनस थ्री पे क्लोज ले सकते हैं। तीनों नेगेटिव साइन के साथ ओपन होंगे, तो ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन माइनस ऑफ एक्स प्लस थ्री और माइनस माइनस प्लस थ्री ऑफ एक्स माइनस फोर होगा। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ टू एक्स प्लस ऑफ टू माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ थ्री प्लस ऑफ थ्री एक्स माइनस ऑफ ट्वेल्व। तो ये माइनस माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया टू माइनस फिफ्टीन, तो वैल्यू आ गई माइनस थर्टीन। तो पहले वाले केस जो होगा उसमें एफ एक्स की जो वैल्यू हमारे पास रिडिफाइन होगी वो क्या होगी, माइनस थर्टीन। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए केस नंबर वन। चलिए नोट कर लिया आपने वीडियो पॉज करके। अब केस नंबर टू देखते हैं। केस नंबर टू हमने देखा, जब हमारे पास एक्स की वैल्यू, केस नंबर टू जब हमारे पास जो है एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस थ्री से वन है, वन पे हम क्लोज ले लेते हैं, माइनस थ्री पे ओपन ले लेते हैं क्योंकि माइनस थ्री पे पहले क्लोज ले लिया था। अब इस केस में एक्स माइनस वन जो है वो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो ये हो जाएगा माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन। एक्स प्लस थ्री जो है पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो प्लस एक्स प्लस थ्री, और एक्स माइनस फोर नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर। तो माइनस ऑफ टू एक्स प्लस ऑफ टू प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ थ्री प्लस ऑफ थ्री एक्स माइनस ऑफ ट्वेल्व, तो ये हो जाएगा फोर एक्स माइनस टू एक्स, ये टू एक्स हो जाएगा, थ्री प्लस टू फाइव, और प्लस फाइव माइनस ट्वेल्व इज माइनस सेवन। तो इस वाले केस में हमारे पास जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी वो वैल्यू टू एक्स माइनस सेवन आ जाएगी। यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। हाँ भाई, केस नंबर टू के बाद अपन देखते हैं केस नंबर थ्री। केस नंबर थ्री देखा अपन ने। केस नंबर थ्री में एक्स की वैल्यू वन से लेके फोर है, तो हमारे पास यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू ले ली वन से लेके फोर, वन पे ओपन ले लिया क्योंकि यहाँ पे क्लोज ले लिया था, फोर पे क्लोज ले लिया। अब इस केस में एक्स माइनस वन पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो टू इंटू एक्स माइनस वन, एक्स प्लस थ्री भी पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, और एक्स माइनस फोर नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर। तो ये हो जाएगा 2x माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ x प्लस 3 और प्लस 3x माइनस ऑफ 12। तो अगर अपन देखेंगे तो ये 2 प्लस 1 3 प्लस 3 सही है ना भाई। ये हमारे पास जो है नेगेटिव साइन के साथ ओपन, x माइनस 1 जो है पॉजिटिव साइन के साथ, x प्लस 3 पॉजिटिव साइन के साथ, x माइनस 4 नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो रहा है। तो 2 प्लस 1 हो गया 3, 3 प्लस 4 हो गया 7x, माइनस 2 माइनस 12 इज माइनस 14 प्लस 3 इज माइनस 11। तो इस वाले केस में एफ एक्स की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो आ गई 7x माइनस 11। ये केस नंबर थ्री हो गया, यहां तक नोट कर लीजिए भैया। केस नंबर थ्री के बाद अपन देखते हैं केस नंबर फोर। अब केस नंबर फोर के बारे में अगर अपन बात करें तो इस कंडीशन में एक्स की वैल्यू फोर से लेके इन्फिनिटी है, एक्स की वैल्यू अगर फोर से लेके इन्फिनिटी है, तीनों पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होंगे, तो एफ एक्स की जो वैल्यू हमारे पास होगी हो जाएगी टू इंटू एक्स माइनस वन प्लस हो जाएगा एक्स प्लस थ्री और माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर। तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस थ्री माइनस ऑफ थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व। तो टू एक्स प्लस एक्स प्लस थ्री एक्स एंड माइनस थ्री एक्स कैंसिल, और ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन माइनस टू हो गया थर्टीन। तो इस वाले केस में हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी थर्टीन। ये यहाँ तक नोट कर लो भाई। तो ये चारों केस अपन ने बना लिए। अब अपन इसका ग्राफ बनाते हैं, अपन इसका ग्राफ बनाते हैं भाई। देखिए तो ये अपने पास जो है ग्राफ बनाते हैं अपन। तो हमारे पास यहाँ पे है माइनस थ्री, माइनस थ्री के बाद है वन, ये ज़ीरो, और वन के बाद फिर है ये फोर। तो सबसे पहले माइनस थ्री से इन्फिनिटी में तो माइनस थर्टीन है, तो अपन यहाँ पे ले लेते हैं माइनस थर्टीन। तो माइनस थ्री से लेके इन्फिनिटी में जो है माइनस थर्टीन है, तो ये अपने पास ये आ गया। अब माइनस थ्री से माइनस वन में टू एक्स माइनस सेवन है। अच्छा, मैं माइनस थ्री रखूँगा तो ये हो क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स माइनस फोर माइनस थर्टीन ही होगा, माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस थर्टीन होगा। फिर अगर मैं वन रखता हूँ तो वन पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिक्स माइनस सेवन, सॉरी अगर मैं वन रखता हूँ तो माइनस फाइव है ना, टू माइनस सेवन माइनस फाइव। तो यहाँ पर जो वन है
इस वन पे वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है माइनस फाइव, तो ये पॉइंट आएगा। तो ये ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक का तो ये ग्राफ हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर अपन वन रखते हैं तो वन पे सेवन माइनस इलेवन है ना, यहाँ वन रख रहे थे अपने पास क्या रहा था माइनस फाइव, सही है। अब ये अपने पास है सेवन एक्स वन से लेके फोर, ठीक है। तो वन से लेके फोर में अगर अपन देखते हैं, ये हमारे पास है सेवन एक्स माइनस इलेवन, इसको एक बार अपन चेक करें, ये सेवन एक्स माइनस इलेवन क्या किया था अपन ने कि ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन था, तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस वन, ये भी पॉजिटिव साइन के साथ ओपन था तो ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री, ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन था तो प्लस थ्री एक्स, और ये था माइनस ऑफ ट्वेल्व। तो ये तीन और एक चार और दो छः, यहाँ सिक्स एक्स माइनस इलेवन आना चाहिए, वही तो। तो अगर मैं यहाँ पे वन रखता हूँ तो ये सिक्स माइनस इलेवन क्या जाएगा माइनस फाइव, और अगर मैं यहाँ पे फोर रखता हूँ तो ट्वेंटी फोर माइनस इलेवन क्या जाएगा हमारे पास प्लस थर्टीन। तो फोर पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है हमारे पास प्लस थर्टीन आ रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का तो ग्राफ कुछ ऐसा हो गया, और उसके बाद फिर ये प्लस थर्टीन है ये आ गया। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है माइनस थर्टीन है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो प्लस थर्टीन है। तो दोनों का सम कितना है, जीरो है। तो सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यूज इक्वल टू जीरो। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का जो आंसर आ गया वो जीरो आ गया, जीरो आ गया मतलब ऑप्शन नंबर ए आ गया। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर, क्वेश्चन नंबर सेवन डीपीपी नंबर वन, क्वेश्चन नंबर सेवन का ये बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए। हाँ भाई देखिए क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट में बोला गया है कि वाई इक्वल टू जी एक्स एक फंक्शन है जिसका डोमेन थ्री से लेके फोर बहुत क्लोज है। तो एक और फंक्शन है वाई इक्वल टू जी ऑफ दिस, और दिस मतलब लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू द बेस टू। तो बोला गया इसका डोमेन क्या होगा, तो हमने कहा लॉग में जो एक्स इनपुट हो रहा है उसकी, लॉग में जो भी इनपुट हो रहा है उसकी वैल्यू थ्री से लेके फोर है, सॉरी जी में जो इनपुट हो रहा है उसकी वैल्यू थ्री से लेके फोर है। तो यहाँ जी में इनपुट ये पूरा सामान हो रहा है, तो ये पूरा सामान अगर हो रहा है तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू टू द बेस टू, इसकी वैल्यू भी थ्री से लेके फोर होनी चाहिए। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये दो इनइक्वालिटी बन जाएंगी हमारे पास, लॉग बेस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, और मतलब क्या हो जाएगा यूनियन लॉग बेस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू फोर। सॉल्व करेंगे टू का पावर थ्री कितना हो जाएगा एट, एट इस तरफ आएगा तो माइनस टू माइनस एट क्या हो जाएगा माइनस टेन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस फाइव इंटू हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस फाइव, यूनियन हो जाएगा हमारे पास टू से लेके इन्फिनिटी। फिर यहाँ पे अपन देखें ये टू का पावर फोर मतलब सिक्सटीन, सिक्सटीन इस तरफ आएगा तो एट्टीन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस ऑफ एट्टीन इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस सिक्स इंटू हो जाएगा x माइनस थ्री इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी माइनस सिक्स से लेके थ्री बोथ क्लोज, ये हमारे पास हो गया। एक मिनट यहाँ पे ना और नहीं आएगा, यहाँ पे बट आएगा ना, ऐसा है ना, ये ये हमारे पास है लॉग की वैल्यू थ्री से लेके फोर, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री बट दिस इज लेस देन इक्वल टू फोर। तो बट मतलब क्या होगा इंटरसेक्शन, अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले इतना नोट कर लीजिए भाई, चलिए अपन इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो वो हमारा इसका डोमेन होगा। तो देखिए अगर हम एक सिंगल नंबर लाइन पे लेते हैं तो हमें क्या क्या लेना पड़ेगा, माइनस फाइव टू माइनस सिक्स एंड थ्री। तो सबसे पहले आएगा माइनस सिक्स, फिर हमारे पास आएगा माइनस फाइव, फिर हमारे पास आएगा टू, फिर आएगा थ्री। पहला वाला कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस फाइव, यूनियन कह रहा है टू से लेके इन्फिनिटी, और दूसरा वाला कह रहा है माइनस सिक्स से लेके थ्री। तो कॉमन पार्ट हमारे पास ये आ गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस सिक्स से लेके माइनस फाइव बोथ क्लोज, यूनियन हो गया टू से लेके थ्री। तो ये इसका डोमेन होगा। तो अगर अपन देखें क्वेश्चन नंबर एट्थ में डोमेन ही पूछा था अपन से, तो ये उसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो एट्थ का आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर सी, नोट कर लीजिए दिस इज क्वेश्चन नंबर एट। चलिए अब देखिए अपन क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन में एफ एक्स की वैल्यू दी है एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट,
ऑप्शन नंबर ए है रेंज ऑफ एफ एक्स इज माइनस वन से रूट टू बोथ क्लोज. दूसरा कहा गया है एफ इज अ मैनी वन फंक्शन. तीसरा है एफ इज आइदर इवन और ऑड. और चौथा कहा गया है रेंज ऑफ एफ एक्स इज आइडेंटिकल टू द रेंज ऑफ जी एक्स इक्वल टू रूट टू कॉस एक्स माइनस फाइव बाई फोर. चलो तो पहले अपन रेंज निकाल लेते हैं. तो डोमेन के बारे में बात करें तो इसका डोमेन तब डिफाइन होगा जब ये डिफाइन होगा. और ये डिफाइन कब होगा? जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 होगा. तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 होगा. तो एक्स की वैल्यू माइनस 1 से प्लस 1 बोथ क्लोज, ये इसका डोमेन आ गया. तो याद पहली चीज अपन ने निकाल ली कि भाई इसका डोमेन जो है वो एक्स माइनस 1 से प्लस 1 होगा. पहले इतना नोट कर लीजिए, हमारे पास इसका डोमेन आ चुका है. ये नोट कर लीजिए, पहले माइनस वन से प्लस वन अपने पास इसका डोमेन आ गया. अब रेंज निकालने के लिए अपन ने इसको डिफरेंशिएट किया. तो डिफरेंशिएट किया तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन, अंडर रूट ऑफ मसाला का वन अपॉन टू इंटू अंडर रूट ऑफ मसाला, और डिफरेंशिएशन ऑफ मसाला इज माइनस टू एक्स. तो ये कैंसिल हो गया. तो ये हो गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये तो अंडर रूट वाला चीज़ ऑलवेज पॉजिटिव होगा. ये चीज़ जीरो कब हो रहा है? अगर हम देखें तो ये चीज़ जीरो जब होगा जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 2. अच्छा, ये दोनों माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में है. तो अगर अपन देखें तो हमारे पास ये होगा प्लस 1, ये होगा माइनस 1, ये होगा माइनस 1 बाय रूट 2, और ये होगा प्लस 1 बाय रूट 2. तो एक इंटरवल, दो इंटरवल, तीन इंटरवल हो गया. अब चेक करना है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होगी. मैंने इस इंटरवल में बीच में एक पॉइंट जीरो आता है, जीरो रखा, जीरो रखा तो ये पॉजिटिव, और जीरो रखा तो ये भी पॉजिटिव. तो इस इंटरवल में तो पॉजिटिव आ रहा है, तो ऑब्वियस है यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव होगा. अब एफ डैश एक्स यहाँ नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा. एफ डैश एक्स यहाँ पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा. एफ डैश एक्स यहाँ डिक्रीजिंग है तो फंक्शन नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा. तो हमें जो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हमें एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू निकालनी है. तो हमने जैसे ही एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू निकाली तो माइनस वन रखने पे ये चीज़ तो जीरो, ये आ गया माइनस वन. एफ ऑफ वन की वैल्यू निकाली तो वन रखने पे ये वन माइनस वन जीरो, तो ये आ गया वन. वन बाय माइनस वन बाय रूट टू की वैल्यू निकाली तो माइनस वन बाय रूट टू की अगर अपन वैल्यू देखते हैं एफ ऑफ माइनस वन बाय रूट टू, तो ये एक्स की वैल्यू तो माइनस वन बाय रूट टू है, और ये वन माइनस वन बाय रूट टू का स्क्वायर वन बाय टू, तो वन बाय टू का अंडर रूट प्लस वन बाय रूट टू. तो माइनस वन बाय रूट टू प्लस वन बाय रूट टू क्या हो गया? जीरो. फिर हमने एफ ऑफ प्लस वन बाय रूट टू की वैल्यू निकाली तो ये प्लस वन बाय रूट टू, और ये भी प्लस वन बाय रूट टू, तो टू अपॉन रूट टू मतलब रूट टू. तो क्लियर दिख रहा है मिनिमम वैल्यू माइनस वन है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो रूट टू है. मतलब अगर मैं इसकी रेंज के बारे में बात करता हूँ तो हमारे पास जो रेंज आता है, रेंज की वैल्यू जो है वो माइनस वन से लेकर रूट टू है, ये हमारे पास रेंज है इसकी. अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन. पहला ऑप्शन है रेंज इज माइनस वन से लेकर टू, ऑप्शन नंबर ए. तो ऑप्शन नंबर ए तो इसका करेक्ट हो गया. दूसरा बोला गया है ऑप्शन नंबर बी, एफ इज मैनी वन, तो ऑब्वियस है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो गया. तीसरा बोला गया एफ इज आइदर इवन और ऑड, तो साफ साफ दिख रहा है अगर मैं माइनस एक्स रखता हूं तो ये तो जोका तो रहेगा लेकिन ये माइनस एक्स हो जाएगा, तो नाइदर इवन नॉर ऑड होगा, तो ये गलत हो जाएगा. चौथा बोला गया है जो इसकी रेंज होगी, जो इसकी रेंज होगी वो हो जाएगी हमारे पास रूट टू कॉस एक्स माइनस फाइव बाई फोर के रेंज के इक्वल. तो इसकी वैल्यू, इसकी रेंज तो माइनस रूट टू से प्लस रूट टू होगी क्योंकि कॉस माइनस वन से प्लस वन होता है, तो ये माइनस वन से प्लस, माइनस रूट टू से प्लस रूट टू नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा. तो इसका आंसर जो है ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है ये जो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है और ये वाला ब्रैकेट जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉग टू प्लस एक्स टू द बेस टू प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉग टू प्लस एक्स स्क्वायर टू द बेस टू. सिमिलरली डैश डैश लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉग टू प्लस एक्स का पावर वन टू द बेस टू. तो एक्स का पावर वन, एक्स का पावर टू से एक्स का पावर टेन तक की कहानी कही गई है. अब एक चीज हम देखें, हमें एक चीज़ एक कंसेप्ट पता है, पहली बात तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीगल वैल्यू देता है, तो ये भी इंटीगल, ये भी इंटीगल, ये भी इंटीगल होगा. दूसरी चीज़ अगर x प्लस इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही होती है. तो इन सब चीज़ों का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसकी वैल्यू भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसकी वैल्यू भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसकी वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. तो कितने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएंगे जरा गिनो, x का पावर 1 से लेके x का पावर 10 तक है, तो 10 फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएंगे. तो fx की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. अब बोला गया है इसमें कुछ पॉइंट्स हैं. ऑप्शन नंबर ए बोला गया है कि भैया क्या एफ ऑफ ई के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या 7 होगी? तो अगर मैं एफ ऑफ ई निकालता हूँ तो एफ ऑफ ई हमारे पास होगा 10 ई का फ्रैक्शनल पार्ट. ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 0.27, तो ये आ जाएगा 0.7 इंटू 10 करेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग होगा.
तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 होगा, बिल्कुल होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो गया। फिर ऑप्शन नंबर बी बोला गया है, एफ ऑफ पाई बोला गया है कि एफ ऑफ पाई की जो वैल्यू है क्या ये 20π-60 होगी, तो अगर मैं एफ ऑफ पाई की वैल्यू देखता हूँ तो यहाँ हमारे पास क्या जाएगा 10 और ये पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा पाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 3 से लेके 4, तो 0 से लेके 1 में x पता है ना अपन को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, जब 0 से लेके 1 के बीच में होती है तो ये होता है x, 1 से लेके 2 में x-1, तो ये तो हमारे पास 3 से लेके 4 है तो ये x-3 होगा, तो इसकी वैल्यू जो है फ्रैक्शनल पार्ट अलग होगा तो पाई माइनस 3 होगा, 10 अंदर जाएगा तो 10π-30 होगा, ये 20π-60 दिया है तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी और डी में से कोई एक ही हो सकता है, बोला गया है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स कितने होंगे, 10 होंगे कि 9 होंगे। चलो अपन इसका ग्राफ बना देते हैं। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो केवल इतना सा अंतर होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से 1 होती है तो एफ एक्स की वैल्यू 0 से लेके 10 होगी। मतलब हमारे पास अगर मैं इसका ग्राफ बनाते हैं हम तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, ये हो जाएगा 0 से लेके 10, 0 से लेके 1 में ये वाला ग्राफ होगा, 1 से उल्टा बना दिया यहाँ हॉलो, हाँ सही तो है, ये वाला होगा, 1 से लेके 2 में जो है वो ये वाला ग्राफ होगा, 2 से लेके 3 में जो है वो ये वाला ग्राफ होगा, और अप टू हमारे पास सिमिलरली ऐसे चलता जाएगा। तो हमारे पास जो है अगर मैं यहाँ पर 10 देखूँ तो 9 से लेके 10 में जो है वो कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा। 10 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर जो है 0 से लेके 10 है ना, ये 10 से मल्टीप्लाइड हो रहा है। अब अगर मैं y इक्वल टू x के बारे में बात करूं तो y इक्वल टू x की वैल्यू 0 पे तो 0 होगी, 0 पे 0 होगी, 1 पे 1 होगी, तो ये जो है 10 पे 10 होगी। ये देखो आप 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 10 पे 10, तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो कुछ इस तरीके से होगा। अब कितने हमारे पास पॉइंट पे कट करेगा, तो एक बार तो ये वाली लाइन पे कट करेगा एक बार, फिर इस वाली लाइन पे 2 बार, अच्छा इस वाली लाइन पे यहाँ पे कट करेगा लेकिन यहाँ पे तो हॉलो सर्कल है तो ये काउंट ही नहीं होगा, तो कितने काउंट्स होंगे भाई, 1, 2, तो देखो टोटल ऐसे कितनी लाइन थी हमारे पास, वन वाली लाइन पे 1 बार, 2 वाली लाइन पे 2 बार, 3 वाली लाइन पे 3 बार, 9 वाली लाइन पे नहीं किया करेगा ना, 9 से 10, तो 9 वाली लाइन पे नहीं करेगा, सही है। तो हमारे पास जो है इसके सॉल्यूशंस कितने आएंगे, 1 वाली लाइन पे 1 बार, 2 वाली लाइन पे 2 बार, 3 1 वाली लाइन पे, 2 वाली लाइन पे, 3 वाली लाइन पे, 4 वाली लाइन पे, 5 वाली लाइन पे, 6 वाली लाइन पे, 7 वाली लाइन पे, 8 वाली लाइन पे, क्या 9 वाली लाइन पे कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो 9 वाली लाइन पे तो नहीं करेगा। अच्छा यहाँ भी करेगा, ये 0 वाली लाइन पे, 0 वाली लाइन पे कर रहा है, तो ओवरऑल इसके जो सॉल्यूशंस है वो कितने हो गए, ये 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, तो 9 सॉल्यूशंस इसके होंगे, 9 सॉल्यूशंस होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, नोट कर लीजिए इसको। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया एफ एक्स है पाई एक्स वाई टू साइन पाई एक्स वाई टू का अंडर रूट प्लस अंडर रूट ऑफ 16-x² प्लस अंडर रूट एक्स प्लस लॉग ऑफ x(-2)2। बोला गया है कि इसकी रेंज में कितने इंटीजर्स होंगे, तो हमने देखा हम ऐसा करते हैं पहले डोमेन निकालते हैं। अब इसका डोमेन तो थोड़ा खतरनाक सा है क्योंकि साइन है, इन तीनों के डोमेन निकालते हैं पहले। तो यहाँ से लॉग के अंदर है x इंटू x-2, तो x-xy2 शुड बी ग्रेटर देन 0 होगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी -∞ से लेके 0, यूनियन हो जाएगा 2 से लेके इन्फिनिटी, बोथ ओपन। ये अंडर रूट x है तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास 0 से इन्फिनिटी, 0 पे क्लोज, और ये हो जाएगा 16-x² ≥ 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी -4 से 4, बहुत क्लोज। अब इन तीनों को अपन इंटरसेक्शन निकालते हैं, ये इन्फिनिटी ये माइनस इन्फिनिटी, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा -4, उसके बाद आ जाएगा 0, उसके बाद आ जाएगा 2, उसके बाद 4। पहली वाली इनइक्वालिटी कह रही है -4 से लेके +4, बहुत क्लोज। दूसरी वाली कह रही है 0 पे क्लोज अप टू 0 से लेके इन्फिनिटी, और तीसरी वाली कह रही है -∞ से लेके 0, 0 पे ओपन और अप टू 2 से लेके इन्फिनिटी, उसमें क्लोज। तो हमने देखा पहला वाला पार्ट में तीनों आ रहा है, नहीं आ रहा है। दूसरे वाले पार्ट में तीनों इनइक्वालिटी आ रही, नहीं आ रही। तीसरे वाले पार्ट में तीनों इनइक्वालिटी आ रही, नहीं आ रही। चौथे वाले पार्ट में तीनों आ रही हैं, पांचवें भी नहीं आ रही। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास हो गई 2 से लेके 4। अच्छा 2 यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ है तो ओपन आएगा, 4 चारों तीनों जगह है तो क्लोज आएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2 से लेके 4। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 से लेके 4, 2 पे ओपन, 4 पे क्लोज आ गई, इतना नोट कर लीजिए पहले।
अब जैसे ही हमारे पास ये वैल्यू आ गई, अब हमारे पास क्वेश्चन ये हो गया कि भाई ये जो है ना इन तीनों का डोमेन तो एक्स की वैल्यू 2 से लेके 4 है, अब इसका डोमेन निकालो। तो ये हमारे पास कहानी ये है कि साइन पाई एक्स वाई टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए इस इंटरवल में। तो हमने कहा भाई एक्स की वैल्यू तो 2 से लेके 4 पे है ओपन, 4 पे क्लोज, 2 पे ओपन। अगर मैं पाई एक्स वाई टू रखता हूँ तो पाई एक्स वाई टू की वैल्यू पाई से लेके 2 पाई होगी, 2 पाई पे क्या हो जाएगा हमारे पास क्लोज। तो पाई से लेके 2 पाई के बारे में अगर मैं बात करूँ, ये है पाई, ये है 2 पाई, पाई पे तो ओपन है और 2 पाई पे जो है वो क्लोज है। तो यहाँ पे वैल्यू 0 होगी लेकिन ओपन है, यहाँ पे वैल्यू जो है वो 0 होगी। अच्छा अब हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ तो नेगेटिव होता है तो कुछ नहीं होगा। तो अगर मैं देखूँ कॉमन पार्ट केवल एक होगा ये 2 पाई वाला 0 पे, तो इसकी रेंज में केवल एक ही हमारे पास इंटीजर आएगा, डेट इज़ 0 जो 2 पाई पे होगा। तो अगर मैं देखूँ इसकी रेंज में कितने इंटीजर आएंगे तो केवल एक ही इंटीजर आएगा और इंटीजर क्या होगा 0, तो आंसर इसका 1 आ जाएगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। तो यहाँ तक अपन ने DPP नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में जो है अपन DPP नंबर 2 करेंगे। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।